तुम्हारे जज बने हुए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के बिना टीवी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, और टीवी इंडस्ट्री के बिना भी फिल्म इंडस्ट्री कुछ नहीं है। तुम लोग ही आ जाते यहाँ चौथे दिन पे, कभी इजली बिजली का मंडोला लेके, कभी बर्फी, कभी लड्डू। प्रमोशन करनी है, प्रमोशन करनी है। कभी तुमने सुना कि हमारी भारती गई हो दबंग टू में कॉमेडी सर्कस का प्रमोशन करने के लिए? हेलो हेलो, एक मिनट, हमने एक था टाइगर दी है और हमने एकता टाइगर दी है। पता है उन्हीं ने अपने परिवार अवार्ड शुरू किए। एंड बाय द वे, हमारे अवार्ड्स बड़े फेयर होते हैं। फेयर? वो ब्लैक लेडी को फेयर बोल रही है। हेलो मैडम, परिणीति चोपड़ा, उसको बेस्ट डेब्यू दूसरी फिल्म इश्क जाते के लिए मिला, ये है फेयरनेस। वैसे मैं एक बात बताऊं, हमारे अवार्ड्स ना बड़े ही फेयर होते हैं ठाकुर, लेकिन तुम्हारे अवार्ड्स हर किसी को अवार्ड दे देते हो। बेस्ट डॉगी अवार्ड, बेस्ट मामी अवार्ड, बेस्ट चाची अवार्ड, बेस्ट चाचा अवार्ड, बेस्ट दादी अवार्ड। हेलो, हमें ना जो अच्छा काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं उसे अवार्ड्स देते हैं। और जिनको अवार्ड नहीं मिलते ना, वो आप हम टीवी वालों को देते हो। कितने लोगों को रोजगार दिया हमने, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, गूफी पेंटल, और जो तेल भी नहीं बेच पाते ना, उनको हम फिर बिग लॉस में ले लेते हैं। हम लोग लड़ क्यों रहे हैं? देखो, हाँ वही टीवी इंडस्ट्री फिल्म में से एक ही बात है, लेकिन अर्चना जी टीवी इंडस्ट्री को ना आपको कम से कम स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। हाँ। क्योंकि आज चाहे सिलेंडर का भाव 1200 रुपए हो गया, लेकिन टीवी की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चाहे पेट्रोल की कीमत 70 रुपए होगी, लेकिन टीवी की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने राशन भी यही खाना, गाड़ी भी यही की यूज करनी है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। एक्चुअली टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन काम दोनों का एक ही है, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो जजेस, कैसी लगी आपको हमारी गेस्ट जोड़ी की ये परफॉर्मेंस? अर्चना, इस एक्ट में बहुत सारी चीजें थी जो बहुत खूब थी। द होल एक्ट टुगेदर वॉज एंटरटेनिंग, नॉट परफेक्ट, बट वेल नाइस। राजीव जी, आपने आज बहुत खूब किया, वेरी वंडरफुल, थैंक यू सो मच। सुहेल, यू ऑल वर एंजॉयिंग योरसेल्फ, यू ऑल वर हैविंग फन, वेरी एंटरटेनिंग एक्ट। थैंक यू, थैंक यू। कॉमेडी सर्कस, यानी हंसी का सबसे बड़ा नाम, शोले इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा नाम, और जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी तो बनेगी लाफ्टर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। कॉमेडी सर्कस प्रेजेंट्स हंसी के शोले। नहीं अच्छा लगा ना? इसका मतलब मैं ठाकुर का करेक्टर बहुत अच्छा कर रहा हूँ। अर्चना जी, आप समझ रही ना मैं किस ठाकुर की बात कर रहा हूँ, कि और घटिया करके बताऊं। सोहेल साहब, शोले का ठाकुर आपको बहुत पसंद था, क्योंकि आपके पापा ने वो करेक्टर तैयार किया था और बाद में उसके हाथ कटवा दिए। अगर हमारा कॉमेडी सर्कस वाला ठाकुर लिया होता तो उसके हाथ नहीं कटवाते, बल्कि उसकी लाइनें कटवा देते। खैर, मैं हूँ शोले का ठाकुर, और मैंने स्टायर से बचने के लिए दो कॉमेडियन बुलाए हैं, अजय और धीरो। ये शहर से सीधा हरामगढ़ में आते ही होंगे। धीरो, अजय किधर है? ये तुम गोविंदा को क्यों लेके आए? मैं गोविंदा नहीं, मैं ये क्या? ओ थप्पड़। ये थप्पड़ किस खुशी में मारा गया है? साला इधर कॉमेडी सर्कस के दो सुपरस्टार, इतना बढ़िया डांस किया तेरे सामने, ताली नहीं बजा सकता था। लगता है आप भूल रहे हो, मेरे हाथ नहीं है। हमें गुस्सा मत दिला, और ये बता हमें बुलाया क्यों था? रब्बर सिंह ने मेरे परिवार के साथ बहुत बुरा किया। सबसे पहले उसने मेरी बीवी को मार डाला। ये तो बहुत बुरा हुआ। नहीं, ये तो अच्छा हुआ। बुरा तो ये हुआ कि उसने मेरे घर पे LCD लगवा दी, DVD प्लेयर दे दिया, रिमोट दे दिया, लेकिन क्या फायदा, मेरे हाथ कटवा दिए। ये तो बहुत नाइंसाफी हुई। इससे भी ज्यादा नाइंसाफी तब हुई जब रामलाल को उसने मेरे घर से निकलवा दिया, और मैं तो उसकी आस पे बैठा था और मेरी आस पे पानी फिर गया। आस्तीन के सांप, ये बता हमें करना क्या है? मुझे रब्बर सिंह चाहिए, वो भी जिंदा। और अब तुम कहोगे कि रब्बर कोई भेड़ बकरी का बच्चा नहीं, दौड़े जो पकड़ लिया, और आसान कामों के इतने पैसे भी नहीं दिए जाते। एक काम कर,
आगे वाला भी तू ही बोल ले सारा। अब्बर सिंह ने तेरी फैमिली को मार दिया, तेरे हाथ काट दिए, तुझे अभी भी शर्म नहीं आती? जाओ और जाके हैंडीकैप कोटे में पीसीओ खोल ले और लोगों से कहना कि नंबर भी खुद ही डायल करे। अब्बर सिंह ने ऐसा ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है कि इसकी पेंसिल किसी काम की नहीं रही। देखो तुम मेरी फिक्र मत करो, इस काम के लिए मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा। लेकिन उस पर तो 50,000 का इनाम है। हाँ ठीक है, 40 मैं रख लूंगा, 10 तुम रख लो, ऐश करो, और मैं जा रहा हूँ 1 नंबर करने के लिए। तो क्या कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार कपिल और कृष्णा के सामने 1-1 नंबर की बात कर रहा है? अरे हमसे बात करनी तो 10-10 नंबर की बात कर, 1 और 2 नंबर तो तू कर रहा पिछले 6 साल से स्टेज के ऊपर। अगर मैं चाहूँ ना, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। भाग बन्नो, आज तेरी इज्जत का सवाल है। ये हरामगढ़ की पानी की टंकी गुलाम कैसे घूम रही है? हरामगढ़ की झोपड़िया में रहने वाली लड़की हर टाइम यूके 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 करती रहती है। अरे लंदन कभी देखा तूने? ओके, हमें ज्यादा बात करने की आदत तो है नहीं। हाँ, जिस तरीके के आजकल तुम्हारे एक्ट चल रहे हैं ना, तुम्हें ज्यादा बोलना सूट भी नहीं करता। ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से जल्दी हमें रबर के अड्डे तक पहुँचा दो। ओके, हम दो दो लड़कों के साथ नहीं जाएंगे। अच्छा, दो दो लड़कों के साथ नहीं जाएंगे? चलो हम 1, 2, 3 के साथ जाने को तैयार है। तेरे को 2 के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम? और तू तो अपने आप में एक पूरा गर्ल्स कॉलेज है। ओके, वैसे हम एक बात बताएं, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं क्योंकि आज होली है और पूरे का पूरा गांव इधर ही आने वाला है। होली। फंटास्टिक, फंटास्टिक। हरामगढ़ वालों, आई एम द रबर मैन। एक सवाल पूछूंगा। 24 मार्च, ठीक है? अरे हमको मालूम आने के बाद तू पूछने वाला। एक और सवाल पूछूंगा, देखता हूँ। हम 3, ये क्या? अगला सवाल यही है ना, कितने आदमी थे? लेकिन एक और सवाल का जवाब देखता हूँ कौन देता है। तुम यही पूछोगे ना कि सरकार तुम्हारे ऊपर कितना इनाम रखी थी? तो पूरे 50,000। ए भाई, एक सवाल पूछू? पूछो। अरे मेरे को यहाँ बुलाया क्यों है? सारे सवाल जवाब तो तुम आपस में कर रहे हो। नहीं, मैं थूक देता हूँ। प्लीज, पब्लिक स्पिटिंग इज नॉट गुड। 24 मार्च के डेट के साथ एक और डेट आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, 12 मार्च। अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाना मत भूलिएगा और साथ में बिरयानी सीमेंट खाइए, तंदुरुस्ती बनाइए। खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार, अब मैं और शैतान फैन। ओके, हमेशा वेंट प्यूरिफाई का ही पानी पीजिए और अपनी विस्की पे सिर्फ प्यूरिफाई पानी डालिए। अरे तुम लोगों ने यहाँ मजाक समझ रखा है, मजाक समझ रखा है। यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा, मंत्रा का एक्ट 10 मिनट बाद बंद हो जाएगा। मजाक उड़ा रहा है। तेरे को मालूम है एक बड़ी बात? तेरे को मारने की सुपारी हमको ठाकुर ने दी थी। ओके, ठाकुर ने तुम सबको सुपारी दी थी? साला नल्ला ठाकुर, तुम सबको सुपारी और मुझे कुछ भी नहीं दिया। अरे मरना मारना छोड़ो, मैं बचपन से होली खेलने के लिए तरस गया हूँ, मैं आज होली खेलने आया हूँ। होली खेलो, होली है। आज खुशी का मौका है और तुम लोग यहाँ डांस कर रहे हो, मुझे भी थोड़ा लाल रंग दो। एक मिनट, ये क्या है? अब थोड़ी देर में लाल हो ही जाएगा।